बोलिए मैम, किसको धुल लिए? उसमें थोड़ा सा हल्दी डालिए, फिर नमक स्वाद अनुसार, फिर जीरा हल्दी, लहसुन का पेस्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से गर्म होना चाहिए। बस नानी बना रही है। बस तेल में फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर से पकने देंगे, उसके बाद इसको उलट लेंगे। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और साथ में थोड़ा कटा हुआ टमाटर भी डालेंगे। इसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें हम और कुछ मसाले डालेंगे जो हम आपको आगे बताते हैं। बादाम, ऊस का दाना और पीले वाले सरसों का पेस्ट। इस फिश का नाम ही है बादाम पोस्ता फिश करी। इसमें क्वांटिटी लगभग 2 चम्मच हम इसमें, हमने 2 किलो में इसमें मछली बनाया है, उसमें लगभग 4 स्पून बादाम और 2.5 स्पून पोस्ता दाना और 2 स्पून पीला सरसों डाले हैं। अब इसमें हम थोड़ा हल्दी पाउडर, अब इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा चिली पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर। अब इसे अच्छे से, जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। बॉयल अच्छे से आ गया, आप देख रहे होंगे बॉयल आ गया है। अब हम इसमें फिश को ऐड कर देंगे। अब इसे हम इसे डाल दिए। अब इसे हम एक बॉयल आने देंगे, उसके बाद गैस को कम करके फिर हम इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। हम
हमारा बादाम पोस्ता खिचड़ी रेडी है। अब आप इसे चावल रोटी जिस चीज़ के साथ आपको पसंद है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। अदिति अदिति कैसा बना है? अमित कैसा बना पापा? आप देखो आपसे पूछना पड़ेगा।